स्पेशल चैरिटी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। पाकिस्तान में ख्वाजा सरा तबका आज भी बुनियादी इंसानी हकूक से महरूम है। अस्पताल जाएं तो इलाज नहीं होता, सड़कों पे आपको पता ही है भीख मांगते हुए लोग नजर आते हैं। ट्रांसजेंडर एम्पावरमेंट प्रोग्राम ख्वाजा सराओं के लिए कुछ उनकी जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए, इनकी फलाह बहबूद के लिए काम कर रहा है। किस तरह से काम कर रहा है इसी बारे में हम बात करते हैं। ट्रांसजेंडर एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट की करता धरता हमारे साथ मौजूद हैं अनुषा साहिबा। अनुषा, हाउ आर यू, वेलकम बैक ऑन द शो। आप पहले भी हम आपसे बात कर चुके हैं, जबरदस्त आप काम कर रही हैं। अनुषा, रमजान के हवाले से क्या स्पेशल चीजें हैं जो आपने ख्वाजा सराओं की जिंदगी को बेहतर? ट्रांसजेंडर को इफ्तारियां दे रहे हैं, स्पेशली हमें ज़कात सूट का, वेजिटेबल्स का, जो जाहिर है ये ग्रॉसरी शॉप है या सिलाई, ग्रॉसरी शॉप का एक अलहदा बजट होता है, तो आपने कुछ डिजाइन किया हुआ है कि हाँ जी अगर किसी ने 50,000 रुपए देने हैं तो मैं उससे ये काम करा दूंगी, या किसी ने 10,000 रुपए देने हैं तो उससे ये मदद की जा सकती है, ताकि लोग जो मदद करना चाहते हैं वो जहन में रखें और इसमें आसानी हो? जी, लोग अगर चाहें तो हम उनको जिस कमरे में, जिस जगह पे ख्वाजा सा रहते हैं उसी मोहल्ले में, उसी जगह पे हम उसी कमरे में उन लोगों को शॉप ओपन कर देते हैं, जिसका ऑलमोस्ट 20-25,000 से खर्चा आता है उनको सिर्फ सामान देने का। बाकी वो उसी कमरे में टेबल लगा लेते हैं जहाँ पे वो लोग अपने ग्रॉसरी की चीजें रखे, दालें, चावल, आटा, सरफ, और वहीं पे अपनी कम्युनिटी में या वहाँ पे मोहल्ले में उनको सेल करना शुरू कर देते हैं। अच्छा अनुषा, कोई फर्क पड़ रहा है, क्योंकि आप काफी अरसे से ये काम कर भी रही हैं, अगर अपने मोहल्ले में ही ख्वाजा सरा अगर दुकान लगा लेते हैं, क्या लोगों के माइंडसेट्स बदल रहे हैं कि अगर वो कुछ काम कर रहे हैं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं तो उनके बिजनेस उनको मदद की जाए, उन्हीं से चीजें खरीदी जाए, तो ये चेंज जो है ये आपको नजर आ रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो हम लोग काम कर रहे हैं, प्रॉपर हमारे इंस्टाग्राम पे पेज है ट्रांसजेंडर एम्पावरमेंट प्रोग्राम के, जिसमें लोग हमें जो भी जितने भी हमें राशन डोनेट हुए वो सब ट्रांसजेंडर ने पैकिंग की अपनी शॉप पे ही, तो लोग हमें ऑनलाइन ऑर्डर्स दे रहे हैं, स्टिचिंग के भी ऑर्डर्स दे रहे हैं, हमें ग्रॉसरी शॉप के भी ओपन ग्रॉसरी शॉप के भी हमें बजट दे रहे हैं, जो हम उनको बिजनेस दे रहे हैं, साथ वहीं पे हमें लोग उनके राशन पैकिंग करवा रहे हैं उन्हीं शॉप पे। अच्छा, आप मुझे बताइए कि किसी शख्स की जिंदगी में, किसी ख्वाजा सरा की जिंदगी में कोई तब्दीली आई, कोई ऐसी स्टोरी है कि पहले डांस करते थे या भीख मांगते थे और अब उन्होंने भीख मांगना छोड़ दी है और अब वो कोई काम कर रहे हैं? क्योंकि अभी भी हम सिग्नल्स पे देखते हैं लातादाद ख्वाजा सरा खड़े होते हैं। देखिए, बैगिंग करना ख्वाजा सरा शुरू से बैगिंग करें, जैसे हम, मैं और आप पढ़े लिखे हैं, हम लोग जॉब करते हैं अपने स्मॉल, हम लोग भी पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, ऐसे ये मे भी उनको से नीड पूरी ना हो रही, जैसे बैगिंग करना उनको अभी भी अच्छा लगता है, बैगिंग उनके अंदर ऐसे है जैसे हम लोग के अंदर एक एजुकेशन है और हम लोग को पता है कि हम लोग अपना एक उनके अंदर बेसिकली डिजाइन और प्रोग्राम है शुरू से ही, वो बैगिंग करते हैं, उनको मेकअप करके सड़कों पर जाकर मांगना अच्छा लगता है। मे भी मैं समझती शायद उनकी इसमें नीड पूरी नहीं हो रही, जो व्यक्ति एक्स्ट्रा इनकम के लिए बाहर जाते हैं। ये बहुत से ऐसे ख्वाजा सरा हैं जिनकी जिंदगी में चेंज आया, जो काम कर रहे हैं, जो लोगों को कपड़े सीके दे रहे हैं, मैं ऑर्डर्स लेती हूँ, वो लोग कपड़े सीते हैं बैक एंड पे। जबरदस्त काम कर रही है अनुषा, हमारी आपसे पहले भी बात हुई है और कंसिस्टेंटली आपका अच्छा काम चल रहा है। जल्दी से बता दें, लोग हमें देख रहे हैं, आपको कहाँ डोनेशन करना हो अगर ट्रांसजेंडर एम्पावरमेंट प्रोग्राम को, तो क्या आपकी वेबसाइट है या फेसबुक पेज इज इनफ? हम लोग वेबसाइट भी है, इंस्टाग्राम पे प्रॉपर पेज है ट्रांसजेंडर एम्पावरमेंट प्रोग्राम के नाम से हमारा पेज है, वहाँ पे आप हमें ऑनलाइन, हमारी टीम बैठी है, आप उनसे ऑनलाइन डिस्कस कर सकते हैं, वहीं पे वेबसाइट भी अपलोडेड है जहां पे जाके आप हमारे अकाउंट पे आप जाके हमें डोनेट कर सकते हैं। वंडरफुल अनुषा, बहुत शुक्रिया आपका, आप बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं। अनुषा ताहिर भट्ट हमारे साथ मौजूद थी, और आप प्लीज़ इस ज़बरदस्त, क्योंकि बहुत सी कॉजेज हैं, लोग दिल खोल